खबर पंखाजूर के चारमा के चवड़ी से है, जहां कार में भीषण आग लग गई और गाड़ी में मौजूद चार लोग लापता है, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक चार सदस्य रायपुर से कांकेर लौट रहे थे, तभी कार पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद गंभीर हादसा हो गया। बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर वहां पहुंची, लेकिन कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिसके बाद फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। फिलहाल चारों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। आसपास अस्पताल और ग्रामीण इलाके में भी पता किया जा रहा है, लेकिन कार में किसी के भी जलने के शव नहीं मिले हैं। वहीं लापता लोगों का आखिरी लोकेशन घटनास्थल का बताया जा रहा है। वहीं कार सवार लोग का मोबाइल भी कार में जला हुआ मिला, साथ ही पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। चारामा थाना क्षेत्र में चारामा से भानु प्रतापपुर की जो सड़क है, उसमें कल रात में सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में आग लगी हुई है, पेड़ से टकराने के बाद आग लगी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, और मौके पर पहुंचे तो गाड़ी तकरीबन पूरी तरह से जल चुकी थी। गाड़ी मालिक का उस समय कोई सुराग नहीं मिला था। फिर हम लोगों ने गाड़ी के नंबर से ट्रैक किया है तो पखांजूर के एक परिवार की गाड़ी है, हालांकि वो परिवार रायपुर से लौट रहे थे, ऐसी सूचना मिली है। उसके बाद से अभी तक परिवार से संपर्क नहीं हो पाया है। हम लोग आसपास के जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ भी चेक करेंगे।